माँ मुझे पैसे दो, 5 रुपए। इतने पैसे क्या करेगा बेटा, 2 रुपए ले जा। माँ सब 10-10 रुपए लाते हैं, हमारे 2 दिन की ट्रिप है अजंता एलोरा, कितने खर्चे हैं, 2 से नहीं होगा। अरे कहाँ का ट्रिप है? अजंता एलोरा। तुम ही कहो भैया, 2 रुपए से कुछ होता है? अरे तू मुझसे मांग, चले 5 रुपए, चल फुट। आज कंजूस राम भैया को क्या हो गया? भैया भाभी कहाँ, नारी होगी शायद, क्यों? भाभी हरी 2 दिन के लिए अजंता एलोरा जा रहा है। ठीक है तो आज ही सही, और तुम 6:30 पर घर आ जाना, समझे? हम लोग आज पिक्चर देखने जा रहे हैं। कौन सा सिनेमा? तुम्हें मतलब? तुम और राम नहीं आओगे, यहीं पे रहोगे घर पर, आई बात समय में? शंकर पार्वती फिल्म है माँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, राम और मालती भी आते तो कितना अच्छा होता। वो लोग भी देख लेंगे माँ, इस बार तुम देखाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि अब हम दोनों क्या दर्शन करेंगे, बहुत दिनों से मैकनस गोल चल रही है, सोच रहा हूँ कि हम दोनों वही देखाते हैं, क्यों? मैं भी मैकनस गोल देखूंगा। हाँ सुना है 32 हफ्ते से चल रही है। मैं नहीं देखती अंग्रेजी फिल्म, कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे साथ शंकर पार्वती ही देख लेता हूँ। हाँ तो फिर ऐसे ही करते हैं माँ, हिंदी फिल्म की टिकट तो फ्री मिली है, ये लो माँ, गाड़ी रोकना भी जरा। अच्छा माँ, बड़े चालाक हो तुम। टैक्सी। आज नहीं कल। आज दर्द की बात बिल्कुल बंद, ये 4-5 घंटे सिर्फ हम। ठीक है पहले खाना खा लो, मैं खाना गरम करती हूँ। अच्छा खाना ठंडा ही खाएंगे, गरम करने में वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ एक और बात है, आज तुम्हारे ताऊजी और गाय भैंस की बातें बिल्कुल बंद। अच्छा बाबा सब बंद, पहले कपड़े तो बदल लो। हाँ। जल्दी जल्दी। और हाँ आज से तुम्हारे हवाई जहाज की भी छुट्टी। हम लोग नीचे बैठ कर खाएंगे। हाँ, आज घर की मालकिन मैं हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वही करूंगी।
क्या कर रहे हो? आज हम लोग दोनों एक ही थाली में खाएंगे। घर का मालिक मैं हूं। कौन कमबख्त आ गया? पता नहीं कहां से चले। राम, ये भाई साहब कहीं से चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तुम सब वोट इन्हीं को देना, बहुत ही सज्जन आदमी है। क्षमा कीजिए श्रीमान जी, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। वैसे मेरे वार्ड के मतदाता मुझे सत्यवादी के नाम से पुकारते हैं। आपके यहाँ पर पानी इत्यादि की व्यवस्था तो उत्तम है ना? पानी? जी हाँ। क्यों? हाँ सब ठीक है, पिताजी बाहर गए हैं। लेकिन श्रीमान जी सुनिए, नीचे संडास में बिल्कुल पानी नहीं आता। जीतने पर ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात बताना, मेरा परम कर्तव्य है कि मैंने स्वयं ही भागदौड़ करके और म्युनिसिपैलिटी से पानी का सारा प्रबंध ठीक किया है। वैसे मेरा निशान सफेद हाथी है, कृपया सफेद हाथी को ही मोहर लगाइएगा। लेकिन एक बात और बताना भूल गया कि धोखेबाजों से सावधान रहिए। पहले मेरा निशान कौवा था, लेकिन वो पार्टी मैंने अब छोड़ दी है, इसलिए सफेद हाथी को याद रखिएगा। हाथी? हाँ हमेशा याद रहेगा। लेकिन एक बात तो मैं बतलाना भूल ही गया श्रीमान जी। क्या? सफेद हाथी। हाँ हाँ सफेद हाथी, चलिए हाथी हाथी चलिए हाथी कहीं का। कमबख्त कहीं का, इस गधे को जिंदगी भर वोट नहीं दूंगा। आधा घंटा बर्बाद कर दिया। कौन था? हाथी। हाथी? तुम तो कह रहे थे गधा। गधा हाथी दोनों, उल्लू कहीं का। चलो जल्दी जल्दी खा लो, चार घंटे का बादशाह हूं मैं। अपना ही घर है, आराम से खाओ। आराम से? पैर तो हम आराम ही से खाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? डॉक्टरों का कहना है अगर बीवी की गोद पे सर रखकर खाना खाया जाए तो शरीर को फायदा होता है। ये तुम्हारे बंबई का डॉक्टर होगा, हमारे यहाँ तो एक योगी राज है, वो कहते हैं बैठकर खाना खाने से खाना अच्छा पचता है। तुम्हारा योगी ढोंगी होगा। सुनो एक बार ताऊ जी ने क्या किया? खबरदार अगर ताऊ जी की बात की तो बड़ी मार पिटेगी। हाँ डॉक्टरों का ये भी कहना है अगर बीवी अपने हाथ से खाना खिलाए तो सर गोदी में रखने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा। फिर हमारा घर में कोई नहीं है। अरे शेखर तुम? हेलो राम, क्या हाल चाल है भाई? तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? सामान रखो अंदर, चलो। क्यों घर में कोई है कि नहीं? हाथ ये क्यों ले भैया अटनी? चलो अटनी सर, सिर्फ अटनी, तीन माले चढ़कर ऊपर आया। ले मजूरी तो मैंने इनको दे दी है। राम जरा ठंडी टिकाना, तेरे तीन माले ऊपर आने की मेरे पास छुट्टे नहीं है। क्यों नहीं साहब? एक रुपया? अबे तो क्या तीन माले नीचे जाने के पैसे भी लेगा? आपकी मेहरबानी होगी साहब, ये लीजिए। थैंक यू। चलिए जय राम जी की बाबूजी। नमस्ते, चले आते हैं हम तो भैया बैठेंगे। क्या बात है राम, तुम कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो, तबीयत तो ठीक है? सो रहे थे क्या? बैठे ना। अरे बैठो बाबा, अपना ही घर समझो। दीदी जीजा जी अम्मा सब कहाँ है? वो सब पिक्चर देखने गए। कैसे आना होगा? भाई पूना जाना है, सोचा एक रात तुम्हें तकलीफ दे। तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाए, हमने कल लगे आज भाभी को भी देखते चले। कहाँ है वो? वो रसोई में है। मालती। नमस्ते, मैं शोभा की छोटी बहन हूँ, शादी में नहीं आ सकी तो सोचा नई बहू को देखते चलूं। नमस्ते नमस्ते। आपको बेवक्त तकलीफ दी। नहीं तकलीफ कैसे, अच्छा हुआ आ गए। हाँ एक रात की तो बात है वैसे। लेकिन तुम इतने मरियल क्यों लग रहे हो यार? अरे नई नई शादी है, जरा मस्त रहो। हैं भाभी जी आप इसकी देखभाल किया कीजिए। वैसे एक बात है, अभी अभी आपकी तारीफ बहुत कर रहा था, कह रहा था क्या खाना बनाती है, बिल्कुल क्वालिटी रेस्टोरेंट। तो हमने कहा ठीक है हम भी जरा चख लेते हैं। क्यों प्रभा? हाँ हाँ मैं भी खाना बनाती हूँ। वाह वाह।